तो दोस्तों फाइनली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने फिर एक बार कमाल करके दिखा दिया है। हाल ही में इन्होंने टाटा टिगोर ईवी को लॉन्च कर दिया है भारत के भीतर डोमेस्टिक मार्केट में। इसकी प्राइस रेंज रखी गई है 12 से 13 लाख के आसपास। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट बात रेंज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने दावा किया है कि इसकी ARAI सर्टिफाइड रेंज है 306 किलोमीटर की। और वहीं सेफ्टी एस्पेक्ट से भी ये काफी ज्यादा सेफ कार है। ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ ये भारत की बन चुकी है वन ऑफ द सेफेस्ट सेडान। वैसे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में देखा जाए तो टाटा मोटर्स को पास्ट में काफी बड़ी सक्सेस भी देखने मिली है। अब तक अप टू डेट देखें तो ऑलमोस्ट 8,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने सोल्ड आउट की है, जिसमें से अकेली नेक्सॉन की सेल फिगर रही है 6,500 यूनिट्स की। इनफैक्ट नेक्सॉन ही ऐसी इलेक्ट्रिक कार थी जो कि भारत में सबसे ज्यादा बेची गई हो। नाउ बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 26 किलोवाट आवर्स की लिक्विड कूल हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी पैक इंस्टॉल की गई है। वाटर रेजिस्टेंट बैटरी पैक है विद IP67 रेटिंग और इसकी 8 ईयर्स की वारंटी है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में चाहे इन पास्ट हो, इन प्रेजेंट हो या फिर इन फ्यूचर हो, आप कह सकते हो टाटा एक काफी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है बाकी की कंपनीज के लिए। बिकॉज करेंटली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर वो एक रिसोर्स टाटा के पास फिलहाल मौजूद है जो बाकी की कंपनीज के पास नहीं है, जैसे कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग के लिए टाटा केमिकल्स, फिर मेटल के लिए यहाँ पर टाटा स्टील, टाटा फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ये सब तमाम ऐसी कंपनीज मिलकर एक टाटा यूनिवर्स, एक काफी वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हैं ऑल इन वन। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा जी ने कहा कि ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हाईली एक्सेप्ट किया गया है और वो अब ये जो सक्सेस रेट है इंडियन मार्केट में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होता जा रहा है। यहाँ पर कस्टमर्स काफी ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पलायन करने में और मात्र एक साल के भीतर यहाँ पर मल्टीफोल्ड रैपिड ग्रोथ देखने मिली है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आने वाले समय में जैसे कि टाटा मोटर्स ने प्रॉमिस किया है कि वो 10 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इससे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम भारत के भीतर काफी तेजी से ग्रो होगा। पैसेंजर सेगमेंट के अलावा कमर्शियल सेगमेंट में भी टाटा की एक काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हो, इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो या फिर इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक्स ही क्यों ना हो, हर मामले में टाटा आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में भारत में डोमिनेट कर रहा है, लीड कर रहा है। और न केवल ही भारत के भीतर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं बल्कि टाटा पावर ऑलमोस्ट 680 फास्ट चार्जिंग स्टेशन सेटअप भी कर चुकी है काफी सारे हाईवेज में अक्रॉस वेरियस सिटीज इन इंडिया। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस पर ही नहीं काम कर रहे हैं बल्कि एक पूरा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं इंडिया के भीतर क्लीन एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिस पर हर एक भारतीय आज के समय में प्राउड महसूस करता है। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में हमें जरूर से कमेंट में बताइएगा।